छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र में मंचगोरा डैम के डूब प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में हजारों किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने मोर्चा संभाला। किसान पेंच बांध प्रभावित किसान संगठन के तत्वाधान में जल सत्याग्रह कर रहे, समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। किसान नेता शिव पटेल ने बताया कि हम सभी किसानों ने 11 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी चौरई और जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा को विशाल रैली निकालकर ज्ञापन दिया। प्रशासन ने एक सप्ताह का समय देकर सभी किसानों को वापस भेज दिया था, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा बीतने के बाद भी सरकार ने किसानों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस गांव के जो माचा घोड़ा बांध बना है उसे डूब से प्रभावित होकर यहाँ ग्राम केवलारी में जल सत्याग्रह किया है, किए हमने। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 31 गांव के युवा है उनको नौकरी दिया जाए, हमारे गांव को शहर के किनारे बसाया जाए। हम यहाँ पर जो रह रहे हैं हमारी जिंदगी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह है। तीन तरफ से पानी है, एक तरफ से अदानी है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। हमारे जो लड़के युवा लोग शादी के योग्य है, दुर्भाग्यवश लड़की के लिए अगर हम रिश्ता। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने आप को जो किसान का बेटा कहते हैं वो तो किसान का दर्द को भी समझें और इस भूअर्जन कानून 2013 के अनुसार समस्त व्यवस्था बना करके दे और साबित करें कि आप किसान के बेटे हैं और किसान के पक्ष में काम करने के लिए आप तत्पर हैं। धन्यवाद। इस गांव के